व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल सूजी इडली, जो कि बहुत ही इजीली बन जाती है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ये एक परफेक्ट फूड है और बच्चों को ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 3 कप सूजी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दही। अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी डालूंगी और इसे सोक करने के लिए 20 मिनट तक के लिए छोड़ दूंगी। मिनट बाद देखिए सूजी ने सारा वाटर जो है वो अब्सॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हम और पानी डाल लेंगे और इडली बैटर रेडी कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक। टेबलस्पून बेकिंग सोडा इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड कोरिएंडर लीफ। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इडली के बर्तन को हमें ग्रीस कर लेना है कोई भी वेजिटेबल ऑयल से। अब हम इडली बैटर को धीरे से उसके सांचे में डाल देंगे। मैंने यहाँ इडली के बर्तन में पानी डाल दिया है। इडली के सांचे को हमें अच्छी तरह से प्लेस करना है। ढक्कन बंद कर लें और इसे 15 से 20 मिनट तक हाई फ्लेम में कुक होने दें। पंद्रह
15 मिनट बाद आप इसे खोलें, इडली बिल्कुल तैयार है। इसे निकाल कर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद स्पून की हेल्प से आप इडली को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। आप जो भी वेजिटेबल्स अपने बच्चों को खिलाना चाहती हो, आप इस इडली में उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डाल करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस वेजिटेबल इडली को ब्रेकफास्ट में बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।